नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो जो है क्लास नाइन्थ के मैथ से है, और ये क्वेश्चन जो है क्लास नाइन्थ के मैथ की एक्सरसाइज 3C के एग्जाम्पल 18 है, और चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि फैक्टराइज एक्स पर 4 - 3x² + 2। तो क्वेश्चन बोला गया है कि हम लोग को जो है इसको फैक्टराइज करना है, तो इसके लिए जो है क्या करते हैं, तो इसको लिख लेते हैं। ये देखिए सोल्यूशन x^4 - 3x² + 2। यहाँ देखिए आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख लेंगे x^4 को, और यहाँ पर होगा -3x² + 2। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं कि इस एक्स स्क्वायर को जो है के मान लेते हैं। तो देखिए लेफ्ट x² = k, तो यहाँ पर होगा k² - 3k + 2। अब चलिए इसको जो है क्या करते हैं, तो फैक्टराइज करते हैं। तो इसके लिए जो क्या करेंगे, तो इस 2 और इस के स्क्वायर के कोफिशिएंट को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो होगा यहाँ पर 2 × 1 = 2। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इस 2 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इस 2 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो आएगा 2 × 1। तो अब इसके बाद आगे जो है इस 2 के साइन के पास आएंगे रूल के अनुसार। तो जैसे कि यहाँ पर जो है 2 का जो साइन है वो प्लस में है, तो इसका मतलब हमें जो है ऐड करके जो है ये 3 के लाना है। तो ये टूटेगा किसके रूप में, तो ऐड के रूप में। तो देखिए आप क्या लिखते हैं कि a² - 2k + k + 2। यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे a² - 2k, माइनस को प्लस क्या होगा, -k + 2। यहाँ देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों में से जो है k कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर k × k - 2, और इसमें से जो है -1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर k - 2, क्योंकि इन दोनों में जो है -1 ही कॉमन है, इसीलिए जो है -1 ही कॉमन आएगा। इस +2 को जो है ले सकते हैं -2 × -1। तो जब -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा k - 2 इन दोनों में से। अब यहाँ देखिए k - 2 दोनों में है, तो ये जो है कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, k - 2 × k - 1। अब यहाँ देखिए k को क्या माने हैं, तो x² तो पुट कर देंगे, x² - 2 × x² - 1। अब देखिए इसको जो है लिख लेंगे x² - √2 का स्क्वायर। x² यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा, यहाँ देखिए ये जो है a² - b² के रूप में है, तो यहाँ पर लिखेंगे x+√2 × x - √2, a+b × b, और इसको भी लिख सकते हैं x+1 × x - 1, और ये जो है अपना आंसर आ गया।